दोस्तों स्वागत है आपका नव संडे न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट एवं अलर्ट न्यूज के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दिवाली की, कि कब है दिवाली, धनतेरस कब है, छोटी दीपावली कब है, बड़ी दीपावली कब है, यानी कि जानते हैं दीपावली त्योहार किस दिन है, कौन सा त्योहार। साथ ही जानेंगे वो शुभ मुहूर्त जो दीपावली के पहले बन रहे हैं। यदि आप चाहें दीपावली के पहले भी कुछ मुहूर्त ऐसे बन रहे हैं जिस दिन खरीदारी आप कर सकते हैं, यदि आपको दीपावली पर टाइम नहीं है तो। दोस्तों इन संयोगों में यदि आप खरीदारी करते हैं तो ज्योतिषियों के अनुसार आपको 3 गुना फायदा होगा और बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। तो कौन से वह योग है जो दीपावली के पहले बन रहे हैं, साथ ही जानेंगे दीपावली कब है, कौन सा त्यौहार किस दिन है। तो जानते हैं इस अलर्ट एस्ट्रोलॉजी न्यूज को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं, जिससे अपडेट रहे आप देश के तमाम अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। तो पहले जानते हैं कब है दीपावली और किस दिन माना जाएगा कौन सा त्यौहार। दोस्तों दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। दीपावली का त्यौहार 5 दिनों तक चलता है। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्थी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज आदि मनाए जाते हैं, जिसमें सबसे अहम तीसरा यानी बड़ी दीपावली का दिन होता है। धनतेरस से भाई दूज तक मंदिरों और घरों को रंग बिरंगी खूबसूरत लाइटों से सजाया जाता है। इन दिनों बाजारों को भी नई नई चीजों से सजाया जाता है। बाजारों में रौनक तो देखने ही बनती है। इस बार दीपावली का त्यौहार 7 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं किस दिन मनाया जाएगा कौन सा त्यौहार। दोस्तों धनतेरस रहेगी 5 नवंबर 2018 को, छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी रहेगी 6 नवंबर 2018 को, वहीं बड़ी दीपावली लक्ष्मी पूजन रहेगी 7 नवंबर 2018 को, गोवर्धन पूजा रहेगी 8 नवंबर 2018 को और भाई दूज रहेगी 9 नवंबर 2018 को। दोस्तों यदि किस दिन है दीपावली, कौन सा त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, अब जानते हैं उन मुहूर्तों के बारे में जो दीपावली से पहले 2 दिनों में खरीदारी यदि आप करते हैं तो ज्योतिषियों के अनुसार 3 गुना फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों दीपावली से पहले खरीदारी करने के लिए बड़ा शुभ मुहूर्त आ रहा है जो कि 30 अक्टूबर को और 4 नवंबर को पड़ रहा है। इसे त्रिपुष्कर योग कहा जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस शुभ योग में खरीदारी करने से आपको 3 गुना फल की प्राप्ति होगी। तिथि, वार और नक्षत्रों से मिलकर बनने वाले इस शुभ योग में कोई अच्छा काम किया जाए तो वो 3 बार होता है। यानी इस मुहूर्त में प्रॉपर्टी, व्हीकल, ज्वेलरी या अन्य कीमती चीजें खरीदी जाए तो भविष्य में ऐसे योग बने हैं कि आप 3 बार और उन्हें खरीदेंगे। वहीं शुक्र तारा उदय होने से इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। उदय हो रहा है शुक्र तारा। दोस्तों वर्तमान में गोचर शुक्र तुला राशि में स्वर्ग रही है जो कि अत्यंत लाभदायी है। 30 अक्टूबर मंगलवार को सिद्ध और स्थिर नाम के 2 शुभ योग बन रहे हैं। वहीं 4 नवंबर रविवार को मित्र और मानस नाम के 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। इसलिए ये दिन घर परिवार के लिए खरीदी जाने वाली हर वस्तु के लिए शुभदायी है। इस संयोग में खरीदी करना लाभदायी व अक्षय कारक है। इससे परिवार में समृद्धि बढ़ेगी। कई दिनों से अस्त शुक्र तारे का उदय हो रहा है। चूंकि शुक्र को ऐश्वर्य का कारक माना जाता है इसलिए मंगलवार को कई तरह की वस्तु खरीदना शुभ फलदायी होता है। सोना, चांदी, इलेक्ट्रिकल फर्नीचर समेत रसोई घर में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं खरीदने से परिवार में सुख समृद्धि बनती है। जमीन मकान में करें निवेश। दोस्तों त्रिपुष्कर योग में सोना, चांदी, तांबा जैसे धातुओं में खरीदें करने से सुख समृद्धि वैभव में वृद्धि होगी। साथ ही जमीन मकान में निवेश करना लाभदायी सिद्ध होगा। इसके अलावा वाहन, फर्नीचर, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स व अन्य घरेलू सामान की खरीदी करना भी अति शुभ फलदायी होगा। 30 नवंबर को सायंकाल गुरु प्रधान मीन लग्न बढ़ रहा है। शाम 6:20 से 8:30 तक स्थिर प्रकृति का वृषभ लग्न पड़ रहा है जो कि खरीदारी के लिए श्रेष्ठ है। सभी राशियों के लिए खरीदारी रहेगी शुभ। दोस्तों त्रिपुष्कर योग सभी राशि वालों के लिए सुख समृद्धि कारक है। कोई भी राशि वाला व्यक्ति अपने सुविधानुसार सभी तरह की धातुएं खरीद सकता है। यदि किसी को आर्थिक परेशानी है तो वह अंश मात्र का ही सोना या चांदी खरीद सकता है। यह आने वाले समय उसके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होंगे। दोस्तों यदि आपके लेटेस्ट अलर्ट एस्ट्रोलॉजी न्यूज और दिवाली संबंधी न्यूज, जैसे ही कोई अपडेट आएगी नहीं हम आपको सूचित करते रहेंगे। तो इसी प्रकार की देश दुनिया की तमाम कैटेगरी की सभी खबरों को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज को, बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे आप देश दुनिया की तमाम अपडेट और अलर्ट खबरों से। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।